अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार बनाना आइसक्रीम, जिसको बनाने के लिए मैंने 6 बनानास लिए हैं। इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है और अब मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी 1 घंटे के लिए। 1 कप चीनी ली है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है, 2 पैकेट मिल्क पैक क्रीम के लिए है, आप कोई से भी क्रीम ले सकते हैं, 2 कप दूध लिया है। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए 1 कप चीनी ली है, 2 कप दूध और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब दूध को हम एक पैन में डाल देंगे। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया, अब स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। अब कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है इसमें। जब ये सेमी थिक हो जाएगा इसके अंदर हम लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और इसको हाई फ्लेम पर ही अभी पकाना है हमने, मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और 2 to 3 मिनट्स इसे हम पका लेंगे और फिर एक बाउल में निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब तक कंडेंस मिल्क ठंडा होता है इतनी देर तक हम लोग अपनी क्रीम का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अब क्रीम को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरा भी डाल लेंगे। अब हमने इसे विस्क करना है। आप हैंड बीटर भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर भी। हैंड बीटर मैंने आपके आसानी के लिए इस्तेमाल किया है और आपने मुसलसल 5 मिनट तक इसके वो विस्क करना है, वरना आपकी क्रीम इतनी सही नहीं होगी। मैंने कंडेंस मिल्क को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और अब क्रीम की कंसिस्टेंसी देख लें, इतनी थिक होनी चाहिए, इससे ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए ना इससे ज्यादा पतली होनी चाहिए। अब इसके कंडेंस मिल्क को हम इसके अंदर डाल लेंगे, क्रीम के अंदर, और अब हल्के हाथ से इसे हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम कंडेंस मिल्क मिक्स हो चुका है अच्छी तरह क्रीम में। अब हम बनाना जो हमने रखे थे फ्रिज में वो निकाल के हम उसे एक बाउल में डाल लेंगे और अब हम इसे फॉर्क की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। देखिए हमारे बनाना अच्छी तरह से हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। अब हम इसको क्रीम में डाल देंगे। और अब बहुत ही हल्के हाथ से इसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे क्रीम के अंदर बनाना को। अब हम इसको एयरटाइट जार में डाल लेंगे। अगर आपके पास कोई एयरटाइट जार नहीं है तो आप किसी बाउल में डाल के ऊपर क्लिंग रैप से भी कवर कर सकते हैं। अब हम इसके टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो बाहर निकल जाए और अब हम इसे कवर करके रख देंगे फ्रिज में 1 दिन के लिए। देखिए मैंने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है, अब ये तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है जैसे ये नजर आ रही है। इंशाल्लाह ये खाने में भी उतनी ही मजेदार होगी।